मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, और थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में अगर बात कर लूँ तो ऑनेस्टली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी जब हार्दिक केम टू बैक. तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द इनिंग्स, आई वॉज लाइक ठीक है यार स्ट्राइक रोटेट करेंगे, यू नो हिट अ ऑड बाउंड्री हियर एंड देयर, बट फिर हार्दिक केप टेलिंग मी यू नो हो जाएगा, फिर बैक डीप हो जाएगा हो जाएगा, एंड देन आई फाउंड बाउंड्रीज एट द राइट टाइम, बट स्टिल 50/3 विद हारिस रॉफ टू बॉल वन ओवर, आई वॉज थिंकिंग इट्स गोना बी चैलेंजिंग, बट आई टोल्ड हार्दिक वन थिंग कि अगर हारिस रॉफ को अटैक किया तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे, एंड जब 28 रन चाहिए थे 8 बॉल में, आई वॉज बैकिंग माई सेल्फ, आई हैव टू हिट 2 sixes अदरवाइज वी लूज द गेम, देयर इज नो चांस यहाँ से हम जीतेंगे अगर मैंने 2 छक्के नहीं मारे. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब जो हुआ है मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, मतलब ये मुझे बार बार देखना पड़ेगा बाद में, मुझे सिर्फ बोलेंगे आप, बट फिर ऐश को मैंने बोला कि यू नो कवर्स के ऊपर मारने देखना, लेकिन ऐश ने अपना दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, और मतलब दैट वॉज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू, यू नो केम इन साइड द लाइन वाइड करवा दी, उसके बाद तो सिचुएशन ये रहेगी कि यू नो गैप में गई तो हम जीत जाएंगे मैच. मैं एक्चुअली बहुत अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि हमें ऐसे मैचेस खेलने को मिलता है, यू नो आप 90,000 लोगों के आगे खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, पूरे दुनिया देख रही है, इंडिया तो देख ही रही है, और आप स्पोर्ट इसीलिए खेलते हैं कि मुझे बड़े मैचों में खेलना पसंद है, कि यू नो आप जब 14-15 साल से खेल रहे हैं तो आपको लगता है कि यार और इससे बेटर चैलेंज क्या हो सकता है, थोड़े टाइम के बाद आप चैलेंजेस ढूंढते हैं, यू नो फिर वो जो थोड़े से इररिलेवेंट मैचेस होते हैं वहाँ पे इतनी इंटेंसिटी नहीं आती, बट ये ऐसे मैचेस के लिए आप खेलते हो, और ये सब ऊपर वाले का ही किया करा है, वही सबको ब्लेसिंग दे रहा है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ.